नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। बैतूल नगर पालिका नगर पंचायत मजदूर संघ ने नियमितीकरण करने के लिए ज्ञापन सौंपा। खबर मध्य प्रदेश के जिले बैतूल से। आज सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर नगर पालिका नगर पंचायत मजदूर संघ बैतूल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम कलेक्टर बैतूल को ज्ञापन सौंपा। मजदूर संघ की मांग है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जावे। नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कोरोना वायरस महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों का निर्वहन किया। यह एक ऐसा समय था जब सगे रिश्तेदार एक दूसरे से परहेज कर रहे थे। संघ के प्रमुख ने बताया कि इसके पूर्व 25 जुलाई 2023 को अनुविभागीय अधिकारी थाना सारणी एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु 15 दिवस बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारी के बीच आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मजदूर संघ की मांग है कि अन्य विभागों की तरह विनियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की महापंचायत बुलाकर शीघ्र अति शीघ्र उन्हें नियमितीकरण की सौगात प्रदान की जाए। मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो संगठन आगामी 7 दिन के पश्चात क्रमिक भूख हड़ताल तथा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। मैं हरिवंश कुशवाहा, जिला महामंत्री नगर पालिका मजदूर संघ बैतूल। आज हमारी प्रमुख मांगे है जो नगर पालिका में हमारे दैनिक वेतन भोगी और विनियमित कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के नियमितीकरण की लड़ाई है जो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। 2016 में शासन के एक आदेश था जहां पे 2007 तक के कर्मचारियों को नियमितीकरण के बजाय शासन के द्वारा विनियमित कर दिया गया था, और 2007 से के बाद के जितने भी दैनिक वेतन भोगी थे उनको छोड़ दिया गया था। तो हमारे नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग है, हमारी प्रमुख मांग है। कब से उठा रही आवाज ये मांग? हम 2014-15 से उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अन्य विभागों में लगातार नियमितीकरण की सौगात दी जा रही है। कोरोना जैसे महामारी में हमारे नगर पालिका के कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात जनता की सेवा किए हैं, परंतु सरकार का ध्यान हमारे इन छोटे कर्मचारियों को नहीं जा रहा है। कोरोना के समय जहां अपने सगे संबंधी अपनी लाशों को हाथ में नहीं लगाते थे, हमारे नगर पालिका के कर्मचारी उनकी अंत्येष्टि करते थे, परंतु सरकार ने इन कर्मचारियों की ओर से अपना ध्यान हटा लिया है और अभी तक इनके नियमितीकरण की घोषणा और ना ही कोई विचार विमर्श शासन के द्वारा किया जा रहा है। आगे क्या कदम होंगे आपको? आगे हमने 15 दिवस पूरे ज्ञापन दिए थे मुख्यमंत्री के नाम, आदेश नहीं हुए। आज हमारा यह आंदोलन जिला स्तर पे है। आगामी चरण में हमारा अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल संगठन के द्वारा किया जाएगा यदि नियमितीकरण के आदेश शासन के द्वारा जारी नहीं किए जाते। इससे पहले भी आंदोलन और इससे पहले भी एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके हमने सभी निकायों का काम बंद करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, लेकिन हमें अभी तक शासन की तरफ से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ।